चालीसा में कली कुलशेखर पावन अवतार तुलसीदास जी ने लिखा जी महाराज अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हैं। बस इसी चौपाई के ऊपर हम लोग तीन दिन तक कथा सुनेंगे। हम लोगों ने चौपाई बहुत गाई, प्रधानमंत्री बैठा है और तुम्हें पता ना हो कि ये प्रधानमंत्री है, लेकिन जब तक कोई आए और प्रधानमंत्री जी दिमाग खराब हो जाएगा कि हम तो बड़े पागल हैं, ये तो तीन घंटा से बैठे रहे, हम फोटो तक ना खींच पाए। फिर आदमी बड़ा हैरान, एक बार हमारे साथ घटना घटी, हम ट्रेन पे चले जा रहे थे तो नीचे एक सज्जन बैठे हिल पाए होंगे, तो ऐसी कथा करके फटे पुराने से कपड़े कंबल की जगह उस दिन हमने एक शॉल लपेट लिया, ठंडियों का दिन ट्रेन पे बैठे, एक सज्जन नीचे की लोअर पर बैठे हुए थे, हमने कहा आप अगर बुरा ना माने तो हमें नीचे की दे दो, आप हमारी ऊपर वाली सीट ले लो, सामान है हमारे पास। अरे बोले अपनी अपनी लो, हमने जानबूझकर करवाई है। तक ट्रेन चली और हमने देखा कि वो आदमी बैठा है जहां हमें उतरना था, वो बीच में ही रास्ता व स्टेशन पड़ता था, जैसे ही हम उतरने पहुंचे सोई उस जगह के सेवादार आए हमसे हमें लेने, उन्होंने बाहरी आवाज लगाई बागेश्वर धाम बाबा की जय। तूने बोले आप तो गुरुजी ऊपर पड़े रहे। अरे हम कहा हमने तो कही थी कि नीचे वाली दे दो, पसीना पसीना हो गया, ट्रेन जाने लगी पर वो तो लोभ है। अब हमने कहा अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई, भैया अब तो सीताराम है, अब तुम कि अगर हम पहचान ना पाए तो कीमती वस्तु का भी मोल नहीं समझ पाते। उसी प्रकार हनुमान चालीसा की ये चौपाई बोलने में सरल है।